आइए थोड़ा अभ्यास करें। आगच्छन्तु किंचित अभ्यासम कुर्मः। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए थोड़ा अभ्यास करें। इस वाक्य को यदि हमें संस्कृत में बोलना हो तो इस प्रकार बोलेंगे, आगच्छन्तु किंचित अभ्यासम कुर्मः। प्रश्न, आप कहाँ है? आप कहाँ है? इस वाक्य को यदि संस्कृत में बोलना हो तो प्रश्न है, भवान कुत्र अस्ति? भवान कुत्र अस्ति पुल्लिंग के लिए है, भवान कुत्र अस्ति, आप कहाँ है? प्रश्न, आप कहाँ है? प्रश्न, आप कहाँ है? इस वाक्य को संस्कृत में इस प्रकार हम बोलेंगे, प्रश्न है, भवती कुत्र अस्ति? भवती कुत्र अस्ति स्त्रीलिंग का वाक्य है, भवती कुत्र अस्ति यानी कि आप कहाँ है। उत्तर, मैं घर में हूँ। मैं घर में हूँ। इस वाक्य को संस्कृत में उत्तरम अहम गृहे अस्मि, अहम गृहे अस्मि। मैं विद्यालय में हूँ। मैं विद्यालय में हूँ। इस वाक्य को संस्कृत में अहम विद्यालये अस्मि, अहम विद्यालये अस्मि। मैं बगीचे में हूँ। मैं बगीचे में हूँ। इस वाक्य को संस्कृत में इस प्रकार बोलेंगे, अहम उद्याने अस्मि, अहम उद्याने अस्मि। मित्रों, आप भी इसी प्रकार लिखें और बोलें कि आप कहाँ है। आप जहाँ है उस स्थान के संस्कृत मूल शब्द को जाने और यदि वह शब्द अ से अंत होता हो तो उस शब्द की सप्तमी विभक्ति यानी कि एक वचन बनाइए। जैसे कि पर्वत पर्वते, आश्रम आश्रमे, नगर नगरे, मार्ग मार्गे, पुस्तकालय पुस्तकालये आदि। यदि जिस स्थान का संस्कृत नाम आ से अंत होता हो तो उसकी सप्तमी एकवचन इस प्रकार होगी। देखिए, जैसे कि पुना पुनायाम, वाटिका वाटिकायाम, इस प्रकार।
धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। अस्तु, पुनः धन्यवादः।